अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। मेरठ के नई सड़क स्थित मंदिर का विवाद और गहरा गया है। अपर नगर मजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया है कि विवादित स्थल पर पूर्व में भी मंदिर था और वर्तमान में भी वहां विधिवत पूजा अर्चना हो रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तत्कालीन नौचंदी थाना प्रभारी संजय वर्मा द्वारा सम्राट स्वीट्स के मालिकों से साठ गांठ कर प्राचीन शिव मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया है। आज मंदिर पक्ष ने मीडिया से वार्ता करते हुए अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वारा 2 मार्च को दी गई रिपोर्ट सार्वजनिक की, साथ ही कहा कि ACM की रिपोर्ट के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। यह भी साबित हो गया है कि थाना प्रभारी संजय वर्मा व तत्कालीन SP सिटी अखिलेश नारायण सिंह की भी इस पूरे मामले में भूमिका संदिग्ध रही है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आपको याद दिला दें कि शास्त्री नगर नई सड़क पर मधु गुप्ता नर्सिंग होम के पीछे प्राचीन शिव मंदिर है। इस मंदिर की जमीन को गढ़ रोड स्थित सम्राट स्वीट्स के मालिकान को बेच दिया गया। लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए मंदिर के बोझ को तोड़ा गया। इसको वीडियो वायरल होने के बाद तमाम भाजपाई मंदिर के पक्ष में आकर खड़े हो गए, जिसे लेकर वहां खासा विवाद हुआ। सम्राट स्वीट्स के मालिकान द्वारा मंदिर की पैरवी कर रहे पूर्व पार्षद वीरेंद्र शर्मा और पूर्व पार्षद सतीश गर्ग को भूमाफिया बताते हुए मोटी धनराशि मांगने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने मालिकान को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ देर बाद ही कागजी कार्रवाई कर उन्हें छोड़ दिया गया था। इसका वाद अब सिविल न्यायालय में विचार रहेंगे। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं मंदिर समिति से जुड़े हुए लोग। मेरा नाम सतीश गर्ग है, मैं पूर्व पार्षद हूँ और हमने जो आज प्रेस की जरूरत पड़ी करने के लिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो 4-5 दिन से बाजार में घूम रहा है कि जो मनोज शास्त्री नाम का कोई व्यक्ति है वो अपने को ये कहता मेरे भाजपा नेताओं से लखनऊ तक बड़े संबंध हैं और मैं सम्राट वाले को ले आकर जबरदस्ती 2 अप्रैल को भूमि पूजन कराऊंगा मंदिर के अंदर और मेरे बड़े बड़े संबंध हैं। इसी वजह से हमने कल पर 2 दिन से DGP साहब को SPC साहब को अरेस्टों को इसकी जानकारी दी कि यहाँ पुलिस की व्यवस्था कराएं, अगर वो यहाँ आते हैं या टकराव की स्थिति रहेगी क्योंकि यहाँ की जनता उनसे भिड़ेगी या झगड़ा हो सकता है। इसी वजह से हमें प्रेस की वार्ता करके भैया आपको सूचना दें, प्रेस के माध्यम से प्रशासन को भी दे दें, वैसे भी दे दी है और आपके माध्यम से भी सूचना दे देना चाहते हैं कि यहाँ पुलिस की व्यवस्था करी जाए। ये अभी हमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि यह है कि सुनने में आ रहा है ये भूमाफिया है, किसी बड़े बड़े अधिकारियों से संबंध है, बड़े नेताओं से संबंध बताता भाजपा के ऐसे लोगों से के माध्यम से हमें जानकारी मिली, अभी हमारे सामने ये नहीं आया। तो हम चाहते हैं पुलिस से कि कौन है ये मनोज शास्त्री, इसकी स्पष्ट करें, इससे जानकारी लें सम्राट स्वीट्स वालों से कि कौन व्यक्ति है इतना बड़ा आदमी जो यहाँ जबरदस्ती गुंडों के बल पर या कैसे भी कब्जा करना चाहता है। अब इसमें जो हमने FIR कराई थी, 2 FIR इसमें हो चुकी हैं ऑलरेडी, 11/10/2020 में और 1 फरवरी 2021 में। अब तक इसमें कोई कार्रवाई, पिछले 2 महीने से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दिसंबर से पहले जितना भी हमने इसके कागज़ दिए थे, पहले चौकी इंचार्ज जो आयो था उसने ही सिक्योर काम किया, 2 महीने से कोई काम नहीं इसमें हुआ। और सबसे मुख्य बात तो ये है कि हमने कई बार अधिकारियों से भी और थानाध्यक्ष से भी कहा कि भाई जो इन्होंने मूर्तियां चोरी की थी उन मूर्तियों को बरामद कराया जाए, लेकिन आज तक इस पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ACMO साहब ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, उस रिपोर्ट में क्या है? उसमें रिपोर्ट में उन्होंने जो हमने प्रत्यावेदन किया था जिलाधिकारी महोदय को, उसमें उन्होंने कहा है कि जो हमने उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे उसके आधार पर उन्होंने अपनी अवलोकन किया उन सब कागजों का, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो बात हम लोग कह रहे हैं, हमारा व्यापार संघ कह रहा है, हमारा संगठन कह रहा है, वो बात बिल्कुल सही है। और एक मुख्य बात उसमें ये थी कि हमने एक शिकायत की थी DGP साहब के यहाँ, जो यहाँ थाना अध्यक्ष थे पूर्व में संजय वर्मा, उन्होंने मिलकर ये सारा जो छत्र लुवाने का कार्यक्रम था आयोजित कराया था सम्राट वालों के साथ मिलके, तो वो भी रिपोर्ट में उन्होंने मेंशन किया है कि हाँ जो बात हम कह रहे हैं वो बात हमारी बिल्कुल सही है। और वो शासन को रिपोर्ट जा चुकी है मुख्यमंत्री कार्यालय को, और उसमें उन्होंने वो भी मेंशन किया है कि इन्होंने मिलीभगत करके ये मंदिर की छत को तुड़वाया है। और
उन्होंने ये भी लिखा है कि वर्तमान में वहाँ पे पूजा अर्चना जारी है, स्थानीय लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो हम जो जिलाधिकारी महोदय की जो रिपोर्ट गई है शासन को, उससे हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, उस पर हमें कोई भी संशय नहीं है। इस खबर में आज इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।